छबारा कायम स्थान का पहला चैप्टर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन को आज से हम प्रारंभ करते हैं। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन किन्हें कहते हैं? तो हाइलो का मतलब होता है, इसमें आप देख पा रहे हो कि हाइलो यहां पर भी लिखा हुआ है और हेलो यहां पर भी लिखा हुआ है। हेलो का अर्थ होता है हाइलोजन्स, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन, इसे हम हाइलोजन्स कहते हैं। ये हाइलोजन्स हैं। हाइलोजन में कुल चार तत्वों को रखा गया है, फ्लोरीन्स, क्लोरीन्स, ब्रोमीन्स और आयोडीन। इन चारों तत्वों को पीरियोडिक टेबल 17 समूह में रखा गया है। एल्केन तथा एरीन्स आप देख पा रहे हो, हैलो और उसके साथ एल्केन जुड़ा हुआ है और एरीन जुड़ा हुआ है। एल्केन्स और एरीन्स जो हैं इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के सदस्य होते हैं एल्केन व एरीन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब यौगिक हाइड्रोजन वा कार्बन से ही मिलकर बना हो, या केवल कार्बन, यानी जब यौगिक हाइड्रोजन वा कार्बन से ही सिर्फ बना हो तो उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स मूल कार्बनिक यौगिक होता है, मूल कार्बनिक यौगिक होता है। जब यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन से सिर्फ बना हो तो, यानी जो हमारा यौगिक है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन ही और हाइड्रोजन ही उपस्थित हो, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मूल कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। जैसे ये देखिए, ये देख पा रहे हो आप, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। दूसरा आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोकार्बन्स ही है। एक और बना दें, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये जितने कॉर्नर होते हैं यहां पे कार्बन जुड़ा होता है यहां पे, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसे हम मेथेन कहते हैं, इसका नाम करें बात करें तो ये एथेन होते हैं। ये एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, ये एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है और इस तरीके से हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक के बजाय इनको हम एरीन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने हाइलोजन को जान लिया और ये भी जान लिया कि एल्केन और एरीन एक हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हमने नाम दिया एलिफैटिक, और एक हमने नाम दिया एरोमेटिक, जिसे हमने कहा एरीन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो कार्बनिक यौगिक बने होते हैं
उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स सभी कार्बनिक यौगिकों के मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन मूल कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही हम अन्य कार्बनिक यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइलो एल्केन तथा हाइलोरीन। इनमें आप देख पा रहे हो कि ये हमारे एल्केन्स, ये एक हाइड्रोकार्बन्स, एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन कहलाता है। हाइलो एल्केन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक हाइलोएरीन कहलाता है। हाइलोएरीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन को किसी हाइलोजन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को किसी हाइलोजन के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हाइलो एल्केन्स होंगे। इसको हम, ये आप देख पा रहे हो, इसको हम किसी हाइलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये हाइलोएरीन्स होंगे, या हम इसे हाइलो एरोमेटिक भी कह सकते हैं। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को जब हाइलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइलोएल्केन कहते हैं। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम उसे हाइलोएरीन कहते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ये रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।